कोपरखेरनी पुलिस ने स्मिता गायकवाड़ नामक महिला को हिरासत में लिया है, जो नौकरी और लोन दिलाने के नाम पर दो दर्जन से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बना चुकी है। आरोपी महिला इससे पहले इस तरह की वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुकी थी। ये महिला लोगों को ठगने के लिए पैम्फलेट छपवा कर बंटवा दिया करती थी। ठगी का शिकार भी वही बनते थे जिन्हें रुपयों की जरूरत हुआ करती थी। ऐसे लोग बड़े आसानी से स्मिता का शिकार बन जाया करते थे। लोन प्रोसेसिंग फीस और कई बहाने बनाकर ठगी के वारदात को अंजाम दे रही थी। दर्जनों नागरिक की शिकायत के बाद कोपरखेर ने पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई आरोपी महिला के विषय में कोपरखेर ने पुलिस थाने के सहायक पुलिस अधिकारी संभाजी कटारे ने विस्तृत जानकारी दी। वो महिला है रेवती लाइफ केयर सर्विस सेंटर के मालकिन, उसका नाम है स्मिता मैकनिक गायकवाड़। उन्होंने अप्रैल में जून महीने में अपने पुलिस स्टेशन के अंडर घनसोली पुलिस चौकी के अंडर सेक्टर 4 में एक ऑफिस खोला चालू किया था। उस ऑफिस में जो गरजू लोग हैं उसको कमी ब्याज दर से पैसे कर्ज मंजूर करेंगे और जिसको सर्विस चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर आया भाई हॉस्पिटल में लगने के लिए या दूसरे सर्विस ऑफिस बॉय वार्ड बॉय, इसलिए वो ऐसे गरजू लोगों को ले सर्विस लाने के लिए उन्होंने पॉम्पलेट में छाप के वो कर दिया था। उन्होंने पहले नौकरी का आमिस दिखाया कायम स्वरूपी नौकरी के लिए, लेकिन बाद में वो हड़ो बताने लगे कि अपन कमी ब्याज दर से अपने पास पैसा है यह है कमी ब्याज दर से लोगों को गरजू लोगों को पैसे दे देंगे। ब्याज दर से 1,20,000 के लिए 4,500 रुपये हफ्ते भरना पड़ेगा, उसका 15,000 रुपये एक साल का ब्याज पड़ेगा। ऐसे हफ्ते में वो पैसे उनको फेरना पड़ेगा, इसलिए जो वेगवेगे कारण बता के उन्होंने उसको 63,900 रुपये लिए और बाद में वो उस ऑफिस के चक्रा मारती रही मेरा कर्ज कब मंजूर होगा कब मंजूर होगा। उन्होंने कर्ज तो मंजूर नहीं किया, बाद में उनसे पता चला कि मेरा मुझे इन्होंने फसाने की। हम हर बार खबरों में देखते और सुनते आए हैं कि किस तरह लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है, लेकिन लोग बाग को समझना ही नहीं चाहते और ऐसे ठगों के झांसे में आकर अपनी बची कुची पूंजी भी लुटा देते हैं।